हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम्योपैथी के बारे में जानेंगे। होम्योपैथिक एक चिकित्सा पद्धति है जो एक फिक्स प्रिंसिपल पर आधारित है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब होता है लाइक्स क्योर लाइक्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। ये होम्योपैथी को देने वाले या इन्वेंटर डॉक्टर हनीमैन थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन था और ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये होम्योपैथी का आविष्कार भी जर्मनी में हुआ। तो ये बात निश्चित है कि ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भारतीय नहीं है, ये जर्मनी से आया है इंडिया में। हालांकि हमारे गवर्नमेंट इसको इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रखते हैं। और ये भी बता देना उचित होगा कि ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है भारत सरकार के अधीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अधीन रहता है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये तय करती है कि कौन सा कॉलेज और हॉस्पिटल जो होम्योपैथी का है उसका एजुकेशन का करिकुलम और उसके मिनिमम स्टैंडर्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद ही वो किसी कॉलेज या हॉस्पिटल को चलने देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संचालित होते हैं। तो हम बात कर रहे थे होम्योपैथिक का। तो होम्योपैथिक सिस्टम में जैसा कि हमने बताया कि ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पर आधारित है, यानी एक फिक्स प्रिंसिपल रहते हैं, केवल एक स्ट्रॉन्गर ही एग्जिस्ट करेगा, वीकर को एनिहिलेट हो जाना है, ये एक प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर होम्योपैथिक में जितने भी मेडिसिनल सब्सटेंस है उनका परीक्षण हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे या हेल्दी पर्सन पे किया जाता है और हर इंडिविजुअल मेडिसिन का जब परीक्षण किया जाता है तो रोग लक्षण जो वो पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एवरी मेडिसिनल सब्सटेंस हैज गॉट कैपेसिटी टू आल्टर द स्टेट ऑफ नॉर्मल हेल्थ। तो जब नॉर्मल हेल्थ को आल्टर करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रोग लक्षण समूह उत्पन्न होते हैं, उन रोग लक्षण समूह को नोट कर लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में जो रोग लक्षण समूह प्रकट हुए उसी को मान लिया जाता है, ऐसा परीक्षण कई बार हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे किया जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों पे किया जाता है। जब कई बार देख लेने के बाद उसको जब नोट कर लिया जाता है तो उनमें से एक लक्षण समूह जो है वो कॉमन जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर मेडिसिनल सब्सटेंस के माने जाते हैं। इसी तरह से हर अलग अलग सोर्स से आए मेडिसिनल सब्सटेंस का हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे इसका ट्रायल होता है, वो स्वास्थ्य को किस तरह से अल्टर करता है, किस तरह से रोग लक्षण समूह को प्रोड्यूस करता है उसको नोट कर लिया जाता है। और इन सभी मेडिसिनल सब्सटेंस का कि कौन कैसे रोग लक्षण प्रोड्यूस कर सकते हैं इसका संग्रह होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में रहता है। तो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका एक किताब है जिसमें सभी मेडिसिनल सब्सटेंस में क्या मनुष्य का हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अल्टर करने की क्या कैपेसिटी है उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। अब जब कोई रोगी होम्योपैथिक चिकित्सा लेने आता है तो चिकित्सक उस रोग लक्षण समूह जो रोगी का है उसको देख करके नोट करता है और नोट किए लक्षणों समूह को फिर वो मेटेरिया मेडिका में किसी एक मेडिसिन में दिए गए रोग लक्षण समूह से मैच करता है। जितना ज्यादा मैक्सिमम रोग लक्षण समूह मैच करते हैं उतना ही श्योर रहता है कि वो पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। अब ये जो नए रोग लक्षण वाले समूह वाले जब दवा दिए जाते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करता है बॉडी में जो कि नेचुरल डिजीज के समान होता है। अब जैसा कि प्रिंसिपल है कि दो डिजीज एक बॉडी में एक ही ऑर्गन में नहीं रह सकते, तो जो आर्टिफिशियल जो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होता है जो होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो उस नेचुरल डिजीज को एनिहिलेट कर देती है, खत्म कर देती है। अब जो रह जाता है वो केवल मेडिसिनल डिजीज रह जाती है जो चंद घंटे या कुछ ही समय के बाद अकॉर्डिंग टू डिजीज ये अपने आप वैनिश हो जाते हैं और मनुष्य निरोग हो जाता है। यही है होम्योपैथी का प्रिंसिपल, यानी कि होम्योपैथी को ये कोई नहीं कह सकता कि इसका ट्रायल नहीं हुआ। अरे होम्योपैथी तो आया ही ट्रायल होने के बाद है, सबको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे परीक्षण करके उसके समस्त लक्षण का मानसिक लेवल पे क्या चेंजेज आया, शारीरिक लेवल पर क्या आया, फिजिकल लेवल पे क्या आया, सारे चीजों को चेंज किया जाता, चेंज के नोट किया जाता है।
और उसी तरह से जब रोगी आते हैं तो उनका भी मानसिक लेवल पे क्या चेंज है, या शारीरिक लेवल पे क्या चेंज आया है, या जनरल में क्या चेंज आया, फिजिकल जनरल, उन सबको नोट करके ही लक्षण समूह से दवा का चयन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये था होम्योपैथी, जिसके लिए मैंने छोटी सी जानकारी आप लोग के शेयर की है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।